कनपा के शिक्षण सामग्री घोटाले में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ठेकेदार और मनपा अधिकारियों समेत 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। हालांकि अब तक सिर्फ एक ठेकेदार की गिरफ्तारी पर सवाल भी उठ रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता सुधीर पवार और याचिकाकर्ता ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 8 से 9 कंपनी के ऊपर एफआईआर होने के बावजूद 2 साल के बाद सिर्फ एक इको अरेस्ट किया जाता है, बाकी लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ये कैसा तपास है? एफआईआर में नवी मुंबई महानगर पालिका के एजुकेशन ऑफिसर संदीप संगवे और क्लर्क विठल कराड़ का नाम लिखा हुआ है, उनका भी इसमें हाथ है। ये लोग इनमें शामिल है, इनकी भी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मैं पुलिस को और प्रशासन को ये इस माध्यम से मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करने के लिए और डिटेल में जाके तपास होना जरूरी है, इंक्वायरी होना जरूरी है। तस्वीर में दिख रही ये दोनों शख्स नवी मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण घोटाले के आरोपी हैं। मामला 2016-17 का है, जब छात्रों के स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और कापी किताबों की सप्लाई के लिए टेंडर निकाले गए। कुल 9 संस्थाओं और ठेकेदारों ने यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, लेकिन मामला तब बिगड़ा जब इसे घोटाला बताते हुए संतोष काले और सुधीर पवार ने पुलिस और मनपा आयुक्त से शिकायत कर दी। आरोप था कि कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए इन ठेकेदारों ने रिजर्व बैंक और इंडियन ऑयल जैसे नामचीन सरकारी संस्थानों का फर्जी वर्क एक्सपीरियंस लेटर लगाकर धांधली की है। शिकायत हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब संतोष काले ने पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने मामला सही माना और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। जाहिर है यह आदेश उनके खिलाफ गया जिन्होंने बच्चों के कॉपी किताबों के नाम पर काला धंधा किया। 2016-17 में नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, शूज, नोटबुक्स आदि सप्लाई चीज़ों के लिए टेंडर निकाला था। वो टेंडर में नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने फर्जी और बोगस वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जोड़ के काम लेने की कोशिश की थी। ये जब मुझे पता चला तो मैंने म्यूनिसिपल कमिश्नर को आगाह किया था, कंप्लेंट किया था कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर संतोष काले, उन्होंने RTI के थ्रू इंफॉर्मेशन जनरेट किया, एक्सट्रैक्ट किया। उसमें यह पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एयर इंडिया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि उल्लासनगर महानगर पालिका है, वसई विरार महानगर पालिका है, आदि बहुत सारी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी के फर्जी डॉक्यूमेंट फोटोशॉप करके झूठा सिक्का लगा के साइन मार के वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बताया गया था। अब जरा इस FIR नंबर 140 पर भी गौर कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर लिखी गई NRI पुलिस की वर्ष 2018 की इस FIR में अमित ग्रामोदय, बिहार रबर कंपनी, किंग्स, प्रीत फुटवेयर, ललानी सल्ज फैब, युधि इंटरप्राइजेस, एन एंड सीजनल वेयर और सिक्यूरा समेत कुल 9 कंपनियों के नाम दर्ज हैं। इनमें नवी मुंबई महानगर पालिका के तत्कालीन शिक्षण अधिकारी संदीप संगवे और क्लर्क विठल कराड़ का नाम सबसे ऊपर है, जिनकी मदद से यह धांधली की गई। हालांकि इनके खिलाफ न तो कभी कोई पूछताछ हुई और न ही कार्रवाई। याचिकाकर्ता संतोष काले फिर हाई कोर्ट गए, जिसमें फटकार खाने के बाद NRI पुलिस ने सिर्फ एक ठेकेदार जयंती लाल राठौड़ को गिरफ्तार किया, लेकिन उसे भी 2 दिन के भीतर छोड़ दिया गया। सुधीर पवार सवाल उठाते हैं कि दर्जनों आरोपियों के बावजूद भी आखिर सिर्फ एक पर कार्रवाई क्यों? आखिर यह कैसी जांच पड़ताल है कि इतने बड़े शिक्षण घोटाले के बाद भी सभी आरोपी कानून को ठेंगा दिखाकर खुलेआम घूम रहे हैं? तो उस मामले में संतोष काले एक कॉन्ट्रैक्टर ने, जब उसकी बात सुनी नहीं गई पुलिस कमिश्नर द्वारा, म्यूनिसिपल कमिश्नर द्वारा, तब उन्होंने हाईकोर्ट की गुहार लगाई। हाईकोर्ट में मामला यहाँ तहाँ अटका पड़ा था, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। और जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद माननीय हाईकोर्ट ने NRI पुलिस स्टेशन को इंटीमेट किया, ऑर्डर किया, तब जाके NRI पुलिस स्टेशन ने थोड़ा बहुत इंक्वायरी करके 2018 में
140 नंबर का एफआईआर पे गुनाह रजिस्टर किया। उसमें उन्होंने गुनाह रजिस्टर करते हुए भी हाथों की सफाई की, उन्होंने किसी पर्सन के नाम पे गुनाह रजिस्टर न करते हुए कंपनियों के नाम पे गुनाह रजिस्टर किया। अब 2 साल होने के बाद भी बीच में कुछ नहीं हुआ था, किसी को अरेस्ट नहीं हुआ था, तो संतोष काले ये जो पिटिशनर है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो वंस अगेन हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाने के बाद लीपापोती करने के लिए एनआरआई पुलिस स्टेशन ने नाम मात्र एक जयंतीलाल राठौड़ नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट किया। 8 से 9 कंपनी के ऊपर एफआईआर होने के बावजूद 2 साल के बाद सिर्फ एक इको अरेस्ट किया जाता है और उसको तुरंत एक दिन का पीसी, एक दिन का जुडिशियल कस्टडी और उसका बेल हो जाता है, बाकी लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ये कैसा तपास है? फिलहाल इस मामले में धांधलीबाज सिर्फ जयंतीलाल जैन की गिरफ्तारी और रिहाई भी हो चुकी है, जबकि पुलिस एफआईआर में शिक्षा अधिकारी संघवे और कलर कराट समेत कई और लोग भी शामिल हैं जिनसे सीधी पूछताछ होनी चाहिए थी, लेकिन एनआरआई पुलिस उदासीन बनी है। इसे घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश मानी जा रही है। कांग्रेस नेता सुधीर पवार ने एक बार फिर मनपा और पुलिस आयुक्त से मांग की है कि इन सभी आरोपियों की सघन इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल ये है कि गरीब मासूम बच्चों के कॉपी किताबों पर डाका डालने वाले इन धांधलीबाजों पर कार्रवाई कब होगी? एफआईआर में नवी मुंबई महानगर पालिका के एजुकेशन ऑफिसर संदीप संघवे और क्लर्क विठल कराड़ का नाम लिखा हुआ है। अगर उनका नाम एफआईआर में है तो उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? हाँ, ये इतना गंभीर मामला हो रहा है, फोर्जरी हो रही है, तो हम चाहते हैं जो दोषी लोग हैं, ये आरोपी लोग हैं, इनका भी इसमें हाथ है, ये लोग इसमें शामिल है, इनकी भी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको अरेस्ट होनी चाहिए। तो मैं पुलिस को और प्रशासन को ये इस माध्यम से मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करने के लिए और डिटेल में जाके तपास होना जरूरी है, इंक्वायरी होना जरूरी है। इस मामले में एनआरआई पुलिस सिर्फ इतना कह रही है कि जांच अभी जारी है और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी, लेकिन अब देखना ये होगा कि नए मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर इस घोटाले की जाँच की नई शिकायत पर कौन सा रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।